हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेए मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा सम और विषम संख्याएं। सबसे इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सम संख्याएं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाती है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित होने का मतलब होता है भाग हो जाती हैं, वे संख्याएं जो दो से भाग हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ये हो जाती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 डॉट। जैसे मान लीजिए हमें बताना है कि 92 ले लिया हमने, ये कैसी संख्या है, सम है या विषम है, तो हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड करते हैं। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8, एक बचेगा, दो उतारेंगे, 6 या 12 ही हो जाएगा। विभाजित होने का मतलब है कि पूरी पूरी कट जाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिमाइंडर तो नहीं बचा, इसका मतलब ये दो से विभाजित, ये जो है 92 है जो वो दो से विभाजित है, मतलब ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, जो दो से पूरी पूरी नहीं कटती हैं। जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। ये हो जाती है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट, ऐसी बहुत सारी हैं ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें बताना है 93 ये कैसी संख्या है, हम इसे दो से डिवाइड करके देख लेंगे। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 8, एक बचेगा, 3 उतार लिया, यहाँ 6, यहाँ 12, 1। तो जो ये है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो से डिवाइड पूरा का पूरा नहीं हुआ, रिमाइंडर बच जाता है यहाँ पे, ये दो से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये 93 है जो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि 0 कैसी संख्या है, तो नोट डाल के नोट कर लीजिएगा आप, 0 सम संख्या है। कैसी संख्या है 0? 0 सम संख्या है। इसके बाद हम ये देखते हैं, मान लीजिए हमें बताना है कि कोई भी संख्या अगर हमें बतानी है कि वो सम है या विषम है, तो हम कैसे बताते हैं, उसे डिवाइड करके देखते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 45 हम कह सकते हैं 45 सम संख्या है या विषम। हमें ये बताना है कि जो 45 है वो सम संख्या है या विषम है, तो हमारे दो से इसे डिवाइड करके देख लेंगे। अगर ये पूरा पूरा कट गया, पूरी की पूरी विभाजित हो गई, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, सम। अगर नहीं कटती है तो ये कैसी है, विषम। अब देखिए यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच जाता है, मीन्स ये पूरी पूरी नहीं कटी, तो कैसी संख्या है ये, हम लास्ट में लिख देते हैं कि 45 विषम संख्या है। चलिए ये तो हो गया, लेकिन अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूं, ये एक नंबर है, देखिए अब हमें ये बताना है ये कैसी संख्या है। ये एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2 है। अब ये बताइए ये संख्या सम है या विषम है, ये संख्या सम है या विषम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इतने बड़े क्वेश्चन को डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, कहां तक डिवाइड करेंगे इसको। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो इसका इकाई का अंक है, जो यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है, हम ये देख लेते हैं। अगर जो हमारी संख्या है, जो हमारे नंबर है, अगर उसमें, इसे दो तरीके से देखेंगे, अगर उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होते हैं तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, सम। और वहीं इसके अपोजिट क्या होता है, अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7
9 ये होते हैं, तो वो संख्या हमारी हो जाएगी विषम। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, सम और विषम संख्याओं में आप अंतर जान चुके होंगे। लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।